नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो यह टोटल 396 पोस्ट है लेक्चरर का, और अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री हो कॉमर्स में और उसमें अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स मेजर सब्जेक्ट हो, और यहाँ मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो और आपने बीएड किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर 2 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी एजुकेशन कोर्स किया हो। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 1 जनवरी 2019 को काउंट होगी और आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यह 100 रुपए है और बाकी कैंडिडेट के लिए यह 400 रुपए है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आगे हम सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी मैट्रिक्स 10,300 रुपए से 34,800 रुपए के बीच होगी और 4,200 ग्रेड पे होगा और कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट 14,500 रुपए पर मंथ होगा। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 22 नवंबर 2019, फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है 22 नवंबर 2019, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है और एग्जाम का भी डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हो सकता है, और जो कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन होगा। आगे हम रिटर्न टेस्ट का सिलेबस देखें तो 65 MCQ होगा आपका मास्टर्स डिग्री लेवल के सब्जेक्ट से और इसका 65 मार्क्स होगा। 10 MCQ होगा जीके ऑफ हिमाचल से और इसका 10 मार्क्स होगा। 10 MCQ होगा जीके नेशनल इंटरनेशनल से और इसका भी 10 मार्क्स होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका 85 मार्क्स रिटर्न एग्जाम का और 15 मार्क्स सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन का होगा। सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन की डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल जॉब अड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।